नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। अभी की एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, राजस्थान के सभी बॉर्डर किए सील, सुरक्षा के लिए आजा से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम। राजस्थान की दूसरे प्रदेशों से लगने वाली बॉर्डर को कर दिया गया सील। सुरक्षा के लिहाजा से राजस्थान पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है। बॉर्डर पर सख्त नाकाबंदी की जाएगी और वाहनों की तलाशी ली जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए। राजस्थान में तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इसमें दूसरे राज्यों से आए बदमाशों की कारस्तानी सामने आई है। ऐसे में राजस्थान पुलिस के समक्ष एक चुनौती खड़ी हो गई। इसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मुख्यालय की ओर से राजस्थान की दूसरे प्रदेशों से लगती हुई बॉर्डर को सील करने के आदेश जारी किए गए। चार राज्यों से सटी बॉर्डर पर खास निगरानी। एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से सभी जिला पुलिस अधीक्षक को और रेंज आईजी को जारी किए गए आदेश में बॉर्डर पर नाकाबंदी और वाहनों की चेकिंग के लिए कहा गया है। दिन में भी राजस्थान से जुड़े पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर स्थित जिले में खास निगरानी के निर्देश दिए गए। हर वाहन पर नजर, संदिग्ध की धरपकड़। जिलों में नाकाबंदी के दौरान सभी वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के निर्देश दिए गए। संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर पाक सहित पड़ोसी देशों से लगी बॉर्डर पर पहले से ही सख्ती निगरानी की जा रही है। राजस्थान के सभी बॉर्डर किए सील, सुरक्षा के लिहाजा से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम। राजस्थान की दूसरे प्रदेशों से लगने वाली बॉर्डर को कर दिया गया सील। सुरक्षा के लिहाजा से राजस्थान पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है। बॉर्डर पर सख्त नाकाबंदी की जाएगी और वाहनों की तलाशी ली जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए। राजस्थान में तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इसमें दूसरे राज्यों से आए बदमाशों की कारस्तानी सामने आई है। ऐसे में राजस्थान पुलिस के समक्ष एक चुनौती खड़ी हो गई। इसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मुख्यालय की ओर से राजस्थान की दूसरे प्रदेशों से लगती हुई बॉर्डर को सील करने के आदेश जारी किए गए। चार राज्यों से सटी बॉर्डर पर खास निगरानी। एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से सभी जिला पुलिस अधीक्षक को और रेंज आईजी को जारी किए गए आदेश में बॉर्डर पर नाकाबंदी और वाहनों की चेकिंग के लिए कहा गया है। दिन में भी राजस्थान से जुड़े पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर स्थित जिले में खास निगरानी के निर्देश दिए गए। हर वाहन पर नजर, संदिग्ध की धरपकड़। जिलों में नाकाबंदी के दौरान सभी वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के निर्देश दिए गए। संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर पाक सहित पड़ोसी देशों से लगी बॉर्डर पर पहले से ही सख्ती निगरानी की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।